आया है अमा महुरिया के झूमे डलिया टनी तक बगेल हमारी ओरिया टनी तक बगेल जी हमारी ओरिया। अरे कैसे मैं ताकू भैया तोरी ओरिया आहे कैसे में ताकी भैया गोरी ओरिया हमरो सगरो पैसा दे गईले राजीव सोनिया हमरो सगरो पैसा दे गईले राजीव सोनिया। अरे अमा महुइया के झूले डलिया आहे अमा महुइया के झूले डलिया तनी तक अरे कैसे में ताकू समाज के बैनर तले आज हमें सरगुजा जिले में पेंशनर समाज पेंशनर संघ के द्वारा जो है अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि हमारी मांगे जायज है और हम पेंशनर समाज जो है शासकीय नौकरी करते हुए रिटायरमेंट के बाद जो है हम पेंशनर पेंशन भोगी हो गए और सरकार हमारी विभिन्न मांगों को अनदेखी कर रही है। मैं आज इस मंच के माध्यम से कहना चाहूँगा शासन हमारी मांगों जो जायज हैं उसको जो है पूरा करे और पेंशनर हित में काम करे। यही पेंशनर जो है आज सरकार बनाते भी हैं, सरकार गिराते भी हैं। श्री कुमार जायसवाल है, मैं सेवानिवृत्त कर्मचारी हूँ। आज हम लोग ये धरना प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि हमें केंद्र के समान महंगाई भत्ता छत्तीसगढ़ शासन द्वारा नहीं दिया जा रहा है और धारा 49 का एक बहाना बनाकर हमें लटकाया जाता है और हमें जब भी देना चाहिए महंगाई भत्ता 1 जनवरी और 1 जुलाई से देना चाहिए, लेकिन झुंझुना के तरह वो किसी भी महीने में पकड़ा देते हैं और बाकी का एरियस को खुद हजम कर जा रहे हैं शासन। ये हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय है, इसलिए हम ये धरना प्रदर्शन करने मजबूर हो गए हैं और इसके लिए अभी हम कलेक्टर महोदय के पास ज्ञापन भी सौंपने जा रहे हैं। ये मेरा हम लोगों का सब साथियों का आह्वान है आपके पास, ये कह रहा हूँ मेरे विराम दे रहा हूँ रिकॉर्डिंग। भारत माता की जय, भारत माता की जय, हम सब एक है, हम सब एक है, हम सब एक है, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, काहे को मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। शंकर सिंह, मैं छत्तीसगढ़ पेंशनर समाज जिला सरगुजा का अध्यक्ष हूँ। आज हमारा एक दिवसीय धरना है, दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक एक धरना कार्यक्रम प्रस्तावित था जिसके तहत हम आज यहाँ बैठे हुए हैं। हमारी 10 प्रमुख मांगे हैं और उन प्रमुख मांगों में समय पे महंगाई राहत, 80 वर्ष की अवस्था पेंशन प्राप्त पेंशनर्स को 80 वर्ष प्रारंभ होने के दिनांक से अतिरिक्त पेंशन राशि दिया जाना, धारा 49 जो बना हुआ है जिससे पेंशनरों को जो उनकी राहत है मिलने में बाधक है उसको तत्काल दोनों प्रदेशों के सचिवों की सहमति से समाप्त किया जाए, चिकित्सा भत्ता 1,000 रुपया दिया जाए या हमें सभी शासकीय अस्पतालों में कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए। ये हमारी मुख्य मांगे हैं और सरकार से हम माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करते हैं कि हमारे इन ये जो मांगे हैं हमारी मांगे नहीं है, हमारी आवश्यकता है। उन्होंने इस प्रदेश में शासकीय कर्मचारियों को वार्षिक पेंशन लागू करके एक अच्छा संदेश दिया है और निश्चित रूप से उनको महसूस हुआ होगा कि पेंशन के लिए पेंशनर्स के लिए कितनी आवश्यक चीज़ होती है, इसीलिए उन्होंने पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू किया है।
किसानों का मसीहा, गरीबों का हम सफर, मजदूरों से अटूट संबंध बनाने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी से हम निवेदन करना चाहेंगे। हम निवेदन करना चाहूंगा कि जो केंद्र में महंगाई भत्ता है, वो महंगाई भत्ता हम में भी दिया जाए। हमारी मांगे छाला झूठ बोले ला बघेल हुए जरा झूठ बोले झूठ बोले अरे झूठ बोले रे सला झूठ बोले ला अरे झूठ बोले रे सला झूठ बोले ला बघेल हुए जरा झूठ बोले ला।